है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम 0.4 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे 1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं 0.4 मोलर NaCl फ्रॉम 1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml के लिए हम बनाएंगे 1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन से 0.4 मोलर NaCl। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है, मोलैरिटी है स्टॉक सॉल्यूशन की। V1 क्या है, वॉल्यूम है स्टॉक सॉल्यूशन का, यानी कि कितना वॉल्यूम हम स्टॉक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे कि हमारा वर्किंग सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो हमारी मोलैरिटी है वो हमें कितनी दी गई है, मोलैरिटी हमें यहाँ पर दी गई है 0.4। ठीक है, 0.4 हमें क्या करनी है, वर्किंग की हमारी मोलैरिटी है और 1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन से हमें बनाना है, यानी कि M1 हमारा क्या हो गया, 1 मोलर, क्योंकि मोलैरिटी कितने हमारे स्टॉक सॉल्यूशन की, 1 मोलर है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो यहाँ पे M1 हमारा कितना है, M1 हमें कितना गिवन है, 1 मोलर गिवन है। इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, यानी कि स्टॉक का कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे कि हमारी 0.4 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और कितना बनाना है, हमें 100 ml के लिए बनाना है। तो V1 कैसे निकलेगा, 0.4 इंटू 100, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 40 ml। यानी कि जब आप 40 ml यूज़ करेंगे अपने स्टॉक सॉल्यूशन का, तो आपका क्या बन जाएगा, 0.4 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्किंग सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके आपको क्या करना पड़ेगा, 40 ml यूज़ करना पड़ेगा, किसका, 1 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन का। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।